तो आज नामांकन की आखिरी तारीख है और इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद सभी पार्टियों के दिग्गजों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। गुरुवार को बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी के कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले सभी दिग्गजों ने अपने अपने इलाके में शक्ति प्रदर्शन करते हुए विशाल जनसभाएं की। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यू, रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़ अपना नामांकन दाखिल कर रही है। बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर है, उससे पहले ये दिग्गज नामांकन में जुट गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने टोहाना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही कैप्टन अभिमन्यू ने नारनौंद विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, तो वहीं रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ से और ओपी धनखड़ ने बादली विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के दिग्गजों के अलावा कांग्रेस के दिग्गजों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। रणदीप सुरजेवाला, चिरंजीव राव समेत कई दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि कांग्रेस की पहली सूची बुधवार देर रात जारी हुई थी, जिसमें रणदीप सुरजेवाला को कैथल से, जबकि चिरंजीव राव, जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, उनको रेवाड़ी से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा भी बीजेपी के कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जगाधरी से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर और उचाना से प्रत्याशी प्रेमलता ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं राजनीति के रिंग में उतरी पहलवान बबीता फोगाट ने दादरी से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद निभाने वाली कविता जैन ने भी सोनीपत से अपना नामांकन दाखिल किया। और खास बात ये रही कि बीजेपी के दिग्गजों के नामांकन के दौरान केंद्रीय राजनीति के कई सियासी सूरमा भी हरियाणा पहुँचे। सुभाष बराला का नामांकन करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य तौर पर पहुंची। उन्होंने भी फिर एक बार मनोहर सरकार का नारा दिया। वहीं कैप्टन अभिमन्यु के नामांकन के लिए यूपी के दिग्गज बीजेपी नेता संगीत सोम भी शामिल हुए। बता दें कि 5 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 7 अक्टूबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। नामांकन के साथ ही हरियाणा का पूरा माहौल चुनावी हो गया है, साथ ही सभी प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि मतदाताओं को किस पार्टी की विचारधारा पसंद आती है, क्योंकि राजनेताओं का काम होता है मतदाताओं को लुभाना, और मतदाता ही राजनेताओं को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।